अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जी, वीडियो के स्टार्ट में आपने देख ही लिया होगा कि मज़े का जो है ये बर्थडे व्लॉग है, और साथ में आजकल का वेदर पाकिस्तान में आप सबको पता है हर जगह बारिश हो रही है, तो ये सुबह सुबह का बारिश का मौसम भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो जी, बर्थडे की तैयारी के लिए जी यहाँ मैं बना रही थी वाइट क्रीम पास्ता, और मेरी भांजी की बर्थडे थी तो उसके लिए जी भी बना रहे थे पास्ता, क्योंकि बच्चों का वैसे फेवरेट होता है तो एक डिश उनके लिए बनानी ही पड़ती है। तो सबसे पहले जी मैंने क्या किया है, ऑयल में थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है इसमें पैन में, तो वैसे बटर आप करें तो वो भी बड़ा अच्छा टेस्ट देता है, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो गार्लिक थे एक या दो क्लोव्स उनको मैंने हल्का सा सौते किया, आपने उनको जलाना नहीं है, और उसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच मैदे के ऐड कर लिए, तो इसको मैं हल्का सा भूनूंगी, और उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 कप जो है वो मैं इसमें मिल्क ऐड करूंगी, और आपने इसको जल्दी से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रहे, क्योंकि मैदे की जो है वो लम्स बन जाती हैं, तो उसको आराम आराम से मिक्स करते जाएं, और मेक श्योर कि आपकी जो आँच है वो बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और जैसे ही इसको बॉयल आना शुरू करिए, देखिए इस तरह की मज़े की थिक हो जाएगी। बड़ी ही सिंपल है रेसिपी, इजी और क्विक बनने वाली है। और इसके साथ जो है मैंने क्या किया था, चिकन को बॉयल कर लिया था, मैक्रोनी भी पहले से बॉयल कर ली थी, तो अब मैं चिकन को थोड़ा सा इसके अंदर सॉस वगैरह ऐड करूँगी इसको टेस्ट करने के लिए, और चिकन को हल्का सा ऑयल डाल के मैं इसको हल्का सा भून रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस इतना कि इसकी थोड़ी सी स्मेल जो है वो गायब हो जाए, क्योंकि बॉयल होने के बाद जो है चिकन में ज़रा थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। हल्का सा बस इसको स्टर फ्राई करना है, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी मैक्रोनी, और मैक्रोनी के बाद जो है उसके बाद मैं सारे इसमें थोड़े से लाइट स्पाइस ऐड करूँगी, क्योंकि ये चीज़ क्रीमी मैक्रोनी है, वाइट सॉस है इसके साथ, तो इसमें बहुत ही कम जो है वो मसाला जाता है, नमक जाएगा, काली मिर्च, और थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अगर स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो कुछ और मसाले भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें थोड़ा सा वाइट विनेगर ऐड किया था, और उसके साथ जो है सोया सॉस और चिली सॉस, मेन यही चीज़ें होती हैं चाइनीज़ डिश में किसी भी चीज़ में, तो उस हिसाब से। तो ये एक एक स्पून ऐड करती जाऊँगी मैं अपने अंदाजे से, क्योंकि ये मेरे पास तकरीबन 2 पैकेट मैक्रोनी है जो मैंने बॉयल की है, एल्बो मैक्रोनी मैंने लिया, आप कोई भी अपनी पसंद की चॉइस की ले सकते हैं, बच्चों को क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और साथ आपने वैसे स्टार्ट में देखा होगा जो चिकन पीस बनाए हुए थे और राइस बनाए थे, तो चिकन पीस की अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैंने इसे पहले जो अरेबिक डिश शेयर की थी मंदी राइस, तो उसमें जो मैंने चिकन को मैरिनेशन की थी, तो ये पीस बिल्कुल सेम उसी स्टाइल से ही मैंने बनाए हैं, और अगर आपने वो रेसिपी देखनी है तो मैं उसका जो लिंक है वो यहाँ पर आई बटन पे भी शेयर कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो बड़े इजीली जो है वो आप चिकन फुल होल चिकन को भी बना सकते हैं और लेग पीस भी बना सकते हैं। तो जी, अब वो जो सॉस थी मैंने जस्ट उसके अंदर ये ऐड किया और उसको बस मिक्स कर देना, तो डन हो जाएगी आपकी ये चिकन मैक्रोनी। और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे नमक का थोड़ा कम लग रहा था, मैंने इसमें नमक ऐड कर देने और साथ में काली मिर्च, और ये डन हो जाएगी। आप इसके अंदर चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि चिकन भी है तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बस जस्ट इसको मिक्सअप करेंगे और ये डन हो गई है, और इसको सर्व करेंगे। तो आई होप आपको ये झटपट सी रेसिपी मेरी पसंद आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो जी, ये है जी फाइनल इसकी शक्ल, तो इस तरीके से इसको डिस्प्ले कर लिया था, और खाना जो है बस हमने उसके बाद खा लिया था, साथ में राइस भी थे और मैक्रोनी थी और चिकन के ये पीस थे, सिंपल सा मेन्यू था, बच्चों की फेवरेट चीज़ भी थी और हमारी भी, बड़ों की भी हो गई। तो ये जी यहीं तक था जी मेरी आज की वीडियो, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।